क्या हुआ भाई, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, हुआ क्या, हुआ क्या बताओ मुझे। YouTube देखो। YouTube पे क्या देखोगे भाई? देखोगे सोनिक और पता नहीं क्या, ये बाबा ये सब बोलो, सोनिक मारियो पिकाचू ये सब, ये सब। हाँ नहीं, क्या देखना है? लंपेन, वो तो खत्म हो गया ना, वो तो कल खत्म हो गया ना लंपेन। नहीं हाँ खत्म हो गया भाई, कभी नहीं पता। मैंने हर्ड किया था, टॉम क्रूज भी था उसमें। टॉम क्रूज ओलंपिक की क्लोजिंग सेरेमनी में था, उसने स्टंट किया था भाई। मुझे दिखाया क्यों नहीं बेटा, रात को हो रहा था, मैं खुद सो गया, मैंने सुबह उठ के देखा वो स्टंट। अच्छा बताओ, चलो टॉम क्रूज ने उसमें क्या किया होगा ये बताओ। बिल्डिंग जंपिंग, बिल्डिंग नहीं थी कहीं और बताओ। एरोप्लेन का चलो है। अंडरवाटर डाइविंग, नहीं अंडरवाटर नहीं है। मोटरबाइक जंपिंग, मोटरबाइक है जंपिंग नहीं है। और जिप लाइनिंग, हाउ जिप लाइनिंग नहीं, उसे लटका हुआ था है ना, जो जब कंप्यूटर से कुछ निकाल रहा होता है डेटा। अब यहाँ पे उसने किया पता है क्या, सबसे पहले कैमरा यूं गया करके टॉम क्रूज को दिखाया बिल्ड ओलंपिक के स्टेडियम के ऊपर, और उसने 160 मीटर से जंप लगाया। फिर उसने उसको वायर लगा हुआ था, फिर उसने उतरने के बाद आया और मेयर से उसने ओलंपिक का फ्लैग जो था वो लिया, और एक लड़की थी अमेरिकन एथलीट, उससे उसने हाथ पाथ मिलाया। और जो था टॉम क्रूज, जब अमेरिकन एथलीट थी, फिर वो फ्लैग क्यों नहीं लेके जा सकती थी वो अमेरिका? भाई देखो देखो, पेरिस जो है उसकी क्या खास बात है? ठीक है, अमेरिका जो है उसकी खास बात क्या है? वहाँ फिल्में मिलती हैं, बनती हैं हॉलीवुड, तो अमेरिका को रिप्रेजेंट करेगा हॉलीवुड, और हॉलीवुड को रिप्रेजेंट कर रहा है सबसे बड़ा स्टार टॉम क्रूज। तो टॉम क्रूज वहाँ आया, उसने फ्लैग लिया, उसके बाद मोटरसाइकिल पे बैठा और लोगों से हाथ पाथ हिलाए, तस्वीरें वस्वीरें खींची और पंग निकल गया। उसके बाद वो सड़कों पर से भगा था, वो अपनी बाइक को ले गया एयरपोर्ट। वहाँ एक बड़ा सा C-130 टाइप का जहाज था जिसमें सिर्फ टॉम क्रूज है। वो जहाज में आया, जहाज को उसने ऑर्डर किया, जहाज उड़ा। जब वो अमेरिका में आया हॉलीवुड के ऊपर, तो उसने कहा आई एम कमिंग, नीचे कूदा और उसने वो हॉलीवुड के जो साइन है उसमें दो ओ लगे हुए है ना, जैसे जो वो बड़ा वाला वो जो हेड के ऊपर लिखा हुआ है, वो ही हॉलीवुड, HOLLYWOOD। उसने जो ओ ओ है ना के ऊपर तीन ओ और बना दिए, तो वो ओलंपिक का निशान बन गया। फिर एथलीट आया, टॉम क्रूज से ले गया फ्लैग को, उसने भी स्टेडियम में, यानी कि स्टेडियम में जाके दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ओलंपिक जो है वो पेरिस से मूव करके आ गया है लॉस एंजेलिस। ये टॉम क्रूज कितने साल के? तुम बताओ कितने का लगता है? टॉम क्रूज 62 साल का है, फिट है बहुत, एक्सरसाइज बहुत करता है, फिर उसकी वो खाना बहुत सोच समझ के खाता है। तो ये हुआ है, इस तरह आ गया टॉम क्रूज का तड़का लगा दिया उन्होंने ओलंपिक गेम्स में। अब ओलंपिक गेम्स जब अमेरिका में होंगे तो सोचो उसमें क्या जबरदस्त चीजें होंगी। तो लॉस एंजेलिस में अब ओलंपिक्स होंगे 2028 में, तुम सब रेडी हो ओलंपिक्स के लिए? Yep. Countdown, shut up. 5, 4, 3, 2, 1.